तो मैं अंकुश अपराणा आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज हमारी रीजनिंग क्लास नंबर सीरीज की सीरीज चल रही थी, इसकी आज तीसरी वीडियो है और ये लास्ट भी है। जो भी बचे हुए कंसेप्ट या टाइप हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे, बाकी जो दो वीडियो के जो कंसेप्ट थे या टाइप थे वो इसमें रिवाइज भी हो जाएंगे। मैंने आज सब तरह के जितने भी टाइप होते हैं सब तरह के क्वेश्चन करे हैं, एक बार आप कोशिश करिए फिर मैं इसको कराता हूँ कि किस टाइप में क्या चीज़ रखनी है। ध्यान रखने हैं सिर्फ ये टाइप, इन छः टाइप से अलग इसमें कुछ नहीं लगना है। पूरे चैप्टर में इनकी ही प्रैक्टिस करनी है आपको डेली, इनके रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। जो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये चार चीज़ें हैं, ये चार टाइप आपको पक्के आने चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि यही टाइप मैंने आज तक देखे हैं। बाकी इसमें से जो ये टाइप है प्राइम नंबर, ये कोई भी क्वेश्चन वो एग्ज़ाम हो सब में पूछा जाता है। ये इतना प्रसिद्ध टाइप है कि ये CGL लेवल या UPSI या कॉन्स्टेबल या दिल्ली पुलिस सब में पूछा जाता है। अगर तीन क्वेश्चन ऐसे आए तो एक प्राइम नंबर का ज़रूर बनता है इसमें। तो पहले क्वेश्चन को लेकर हम चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, और मुझे आशा है कि आपने स्क्वायर जो है वो याद कर लिए होंगे और आप उनको डेली रिवाइज़ करना है, 4 या 5 बार डेली रिवाइज़ करिए, 2-3 दिन में वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो जब भी आपको कोई नंबर दिखे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये स्क्वायर है या नहीं है, या स्क्वायर के आसपास की कोई संख्या है या नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर आपको स्क्वायर पक्का आता होगा तो आप इसको देखकर बता पाएंगे कि 144 तो हमने स्क्वायर पढ़ा है, किसका है, 12 का है। अब 12 का स्क्वायर तो है, मैंने बताया कि स्क्वायर हो सकता है, लेकिन उसे आप +1, +2, -1 या -2 भी कर सकते हैं एग्जाम क्वेश्चन के जो दी हुई है उसके विपरीत। जैसे 143 उसमें पहली संख्या है, दूसरी 167, तीसरी 193, इनमें समझ के हमें तो कुछ ये पता लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि धीरे बढ़ रही है संख्या, तो इसमें प्लस हो रहा है। और प्लस से भी देखने से पहले हमें एक टाइप पता लगा कि प्लस हो रहा है, प्लस देखते हैं हम कितना हो रहा है। अगर सेम नंबर हो रहा हो या सेम सीरीज में हो रहा हो तो आंसर भी सही है। बाकी आपको अगर स्क्वायर याद है तो इतना पता होना चाहिए कि 144 तो स्क्वायर होता है, ये एक कम है, हो सकता है ये चीज़ में लग रही हो। दूसरे पे चलते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, इसमें -2 हो रहा है, हो सकता है हमें कोई सीरीज पता लग जाए। 193, मतलब अगर हम बात करें 14 की स्क्वायर की तो 14 का 196 होता है, ये -3 है, हो सकता है ये चीज़ हो। अब हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे, 14 से अगला स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ -1 हुआ, -2, -3 सीरीज चल रही है तो यह -4, 225 में से 4 गए 221, राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये हिट नहीं किया या आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा तो आप इनके डायरेक्टली जो सिस्टम मैंने बताया था ये वाला डिफरेंस लेके कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। आप अभी देखना इसको करके अपने हिसाब से, जो मैंने टाइप बताया था वो जो सब में लगना है वो उसमें भी लगा के देखिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो ये पहला टाइप जो होगा था हमारा स्क्वायर को लेके हुआ, पहले टाइप हमारा था स्क्वायर में कुछ प्लस हो रहा था या माइनस, ठीक है। अब बात आती है दूसरे की, दूसरा देखिए क्या है, 8, 27, 125, 243, इसमें आपको पता लगा प्लस भी हो रहा है, मतलब नंबर बढ़ भी रहा है और फिर ऐसा भी लगा जैसे तेज़ी से बढ़ रहा हो, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई भी हो रही होगी। लेकिन 8 को देखकर अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया तो 27 को देखकर आपकी ज़रूर आ गया होगा, या इसको देख के नहीं तो 125 को देख के तो बिल्कुल आ चुका होगा कि किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, या क्यूब होता है। तो 8 के अगर मैं बात करूँ तो 8 होता है हमारा 2 का क्यूब, ठीक है, एक मिनट, 2 का क्यूब होता है, सॉरी। तो हमारा 2 का क्यूब इजीली हमें पता होता है कि 8 है। बात आई नेक्स्ट नंबर की जो होता है 27, 27 अगर आपने क्यूब भी याद किए होंगे तो ये भी आपको डायरेक्टली दिख रहा है ये 3 का क्यूब है, ठीक है। अब बात आती है कि 4 का क्यूब यहाँ नहीं है, ये 5 का है, ये कितने का है, ये 6 का नहीं है, ये 7 का है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ को देख के एक दिमाग में हिट होनी चाहिए बात कि 2, 3, 5, 7 मतलब प्राइम नंबर है कहीं ना कहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से नेक्स्ट क्या होगा,
11 होगा, कि 9 तो हो नहीं सकता, 9 तो 9 से भी डिवाइड होता है 3 से भी और 1 से भी। तो 11 का क्यूब हमें चाहिए, 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। तो इस स्क्वायर में प्राइम नंबर सिंपली ना देके, वो प्राइम नंबर की सीरीज ना देके, सिंपली जैसे 2, 3, 5 या 7 की सीरीज ना देके आपको प्राइम नंबर का स्क्वायर दे सकता है या क्यूब भी दे सकता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर में और दो टाइप हो चुके हैं कि प्राइम नंबर डायरेक्ट ना देके स्क्वायर और क्यूब दे सकता है। ज़्यादा चांस होते हैं कि प्राइम नंबर डायरेक्ट देगा, 2, 3, 5, 7, 9, 9 तो हो नहीं सकता, 11, 13, ठीक है। तो दूसरा टाइप हमारा हो चुका है कि प्राइम नंबर स्क्वायर हो सकता है इसका या क्यूब, ठीक है। अब बात आती है 6, 17, 39 और 72, ये किस चीज़ से है। इसमें आपको देखना चाहिए कि या तो ये मल्टीप्लाई से हो सकते हैं या ये आप कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। अब प्लस भी करेंगे हम और मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी दिमाग में नहीं बैठ रही है बात कि इसमें क्या हो सकता है। स्क्वायर इसमें नहीं होता, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्यूब 6 किसी का नहीं होता, ना 17 होता है। तो इसमें जब कुछ आइडिया अपने दिमाग में ना आए तो सिर्फ ये वाली बात आपको ठान लेने कि ये कितने प्लस हो रहे हैं, इसमें कितना जुड़ रहा है, 11 जुड़ रहा है, ठीक है। अब 17 से 39 में जाएं तो कितना जुड़ रहा है, 22 जुड़ रहा है। ऐसी ही 39 से 72 में जाएंगे तो कितना जुड़ रहा है, 33 जुड़ रहा है। तो हमें एक सीरीज मिल चुकी है कि 11, 22, 33, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, बिना बताए आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट 44 होगा। 72 में 44 आप जोड़िए, कितना होगा, 6 और 11, 116 इसका हमारा आंसर है। अगर यहाँ से सीरीज हिट ना हो तो एक बार और डिफरेंस ले लीजिए, 11 और 22 का डिफरेंस क्या होगा, 11, 22 और 33 का 11। अब तो सिंपली समझ आ गया कि 11, 11, 11, तो नेक्स्ट भी डिफरेंस 11 होगा, ठीक है। तो ये सीरीज थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि हर क्वेश्चन इस सीरीज से हो सकता है या इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा रिंग टाइप जो बताया था मैंने उससे लेकर, जिससे हर क्वेश्चन होता है। अगर दिमाग में कोई सी भी टाइप हिट ना हो तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की, फोर्थ में क्या है। सारे टाइप डिस्कस करूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो आप इसी की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसमें भी दिमाग में आप सोचेंगे तो सिर्फ ये आएगा कि 15 ना तो किसी का स्क्वायर हो सकता है ना किसी का क्यूब हो सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचे हैं, या तो इसमें प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी रिंग बनानी स्टार्ट कर देनी है कि कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस या मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 से 21 से गए कितना हो रहा है, 6, यहाँ कितना हो रहा है, 17, ठीक है। यहाँ कितना हो रहा है इसमें, 38, 27, ठीक है। और यहाँ 101 से 65 चले जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 36, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास कोई सीरीज हिट नहीं हो रही तो दोबारा क्या करेंगे, एक बार और रिंग बनाइए, कितना आ रहा है, 9, 17 में 6 में 9 जोड़ेंगे, ओ सॉरी 11, फिर कितना हो रहा है इसमें, 10 जोड़ेंगे 27 आएगा, फिर 9 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। इस वाले इस पे जाकर हमें पता लगा कि इसमें कोई ना कोई सीरीज बन रही है, जैसे 10, 11, 10, 9, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 8, ठीक है। अब मेन बात आती है हम यहाँ तक, यहाँ से कैसे पहुँचेंगे। देखिए इन दो संख्याएं जो लास्ट हैं इनको प्लस करिए, 36 और 8 कितने हो गए, 44, 44 आएगा इस लाइन में। हमारे पास 3 लाइन हो चुकी हैं, पहली ऊपर वाली, दूसरी है 6, 17, 27, 36 वाली, और तीसरी है 11, 10, 9, 8 वाली। तो थर्ड से हमें फर्स्ट लाइन पे जाना है, तो पहले क्या करेंगे, जो लास्ट की टर्म है थर्ड सीरीज, थर्ड लाइन की और सेकंड की, उनको प्लस करना है। 36 को और 8 को प्लस करिए, हम पहुंच जाएंगे सेकंड नंबर पर, 44 आया। हमें पहुंचना है फर्स्ट पर, तो फर्स्ट पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट की और सेकंड की लास्ट संख्या जो हैं उन्हें प्लस कर दीजिएगा, तो हम एट द टॉप पर वहाँ पहुँच जाएंगे लाइन के, कि आंसर हमारा क्या होगा। 101 में प्लस 44 करेंगे तो आप पाएंगे 145,
जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी टाइप हमारे रिंग वाला था, जिसमें अगर कुछ भी आपके समझ में ना आए तो इसको आप डिफरेंस लेके या प्लस करके आप सीरीज पा सकते हैं। अगर एक बार में नहीं आई, जैसे कि यहाँ फर्स्ट टाइम में हमें पता नहीं लगा कि 6, 17, 27 ये क्या सीरीज चल रही है, तो आप एक बार और ट्राई करिए, नेक्स्ट टाइम आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या सिस्टम चल रहा है। इसमें पता हमें दोबारा में दूसरी सीरीज में लगा कि कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, ये सीरीज या ये टाइप इस चीज़ के लिए बना है, सिर्फ अगर बच्चे के दिमाग में कुछ भी ना पाए तो इतना तो सिर्फ वो कर सकता है कि क्वेश्चन को देख के एकदम स्टार्ट कर दे अपना रिंग बनाना और संख्या को पता करना स्टार्ट कर दे कि ये क्या हो रहा है। अगर इस सीरीज में पता ना लगी तो दूसरी में कन्फर्म आपको पता लग ही जाएगी कि क्या हो रहा है, ये हो रहा था सिर्फ इसमें। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 किस टाइप से रिलेटेड है? देखिए, स्क्वायर तो ये बन नहीं रहा, ना ही क्यूब बन रहा है, ना ही इवन सीरीज है, ना ही ओड सीरीज है, ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3-4 टाइप तुम्हारे ख़त्म हो चुके हैं, बचा क्या? हमारा क्लाउड वाला बचा है, जो जो हर क्वेश्चन को सोल्व करता है। इसमें हो रहा है दूना, 11 से दूना कितना होता है, 11 का दूना 22 माइनस 2 कितना आया 20। ठीक है, 20 का दूना कितना होता है 40 माइनस 2, 38 का दूना होता है 76 माइनस 2। ठीक है, अब ऐसे ही इसको 74 का दोगुना करना है आपको और माइनस 2 करना है। ठीक है, तो हम आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे जो होगा 146। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इस तरह का बचा है कि एक बात और बता दूं, ये है हमारा प्राइम नंबर से लेकर। अब आप इसको देखिए और एक बार करने की कोशिश करिए कि प्राइम नंबर सीरीज है तो है कैसी, क्योंकि प्राइम नंबर ही वो घुमा घुमा के देगा, उसकी हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ठीक है, प्राइम नंबर देखिए हम क्या है, ये है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, 3, 7, 13, 19। तो यहाँ बताइए, इसमें सीरीज हमें पता लग रही है 3 को देख के और 7, 13, 19 को देख कर कि कुछ ऐसे नंबर है जो किसी से कट नहीं सकते, इसका मतलब प्राइम नंबर है। लेकिन हम बात करें कि प्राइम नंबर सीरीज तो 3 के बाद 5 भी आता है, तो यहाँ 5वीं से फिर 7 आता है, फिर 7 के बाद 9 तो हो नहीं सकता, तो 11 भी आता है, तो यहाँ 11वीं हो रहा है, फिर 13 होता है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 17, फिर 19 आता है, 19 के बाद प्राइम नंबर की सीरीज आएगी हमारी 23, 23 से अगला हमारा क्या आएगा, 23 से अगला प्राइम नंबर हमारा 27 भी नहीं आएगा, 29 आएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 29। इसमें क्या चीज़ लग रही थी, एक को छोड़कर एक प्राइम नंबर, मतलब 3 को छोड़, 3 प्राइम नंबर हो गया, फिर 5 को छोड़ के उससे नेक्स्ट 7, 7 से नेक्स्ट 11 था, 11 को छोड़ के 13, 17 को छोड़ के 19, 23 को छोड़ कर 29। ठीक है, ये है हमारी सीरीज़ प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कई तरह से पूछ सकता है, जैसे ऐसे पूछ लिया उसने, डायरेक्ट प्राइम नंबर भी पूछ सकता है वो कि 1, 3, 5, 7, 11 नेक्स्ट क्या हो गया, या इसकी स्क्वायर करके पूछेगा कि 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49, 121। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया। ठीक है, या इसके क्यूब करके पूछेगा, तो 3-4 तरह के वो प्राइम नंबर से पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है प्राइम नंबर की। ठीक है, और एक अब टाइप बचता है मिसलिनियस, जो मैंने बताया था लास्ट टाइप है वो। मिसलिनियस में कुछ नहीं है, बस मिसलिनियस में क्या है कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर हो रहा हो या क्यूब हो रहा हो, अगर या तो वो डायरेक्ट देगा, आपको हिट हो जाएगा दिमाग में, अगर नहीं होगा तो आप एक बार -1, -2 या -3 तक आप करके देख लीजिए, या +1, +2 या +3, ये चीज़ भी आप क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा देखेंगे कि ये भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि स्क्वायर या क्यूब डायरेक्ट ना देकर उससे एक संख्या कम दे देगा या एक संख्या ज़्यादा दे देगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन करा भी था वो। तो ये थे हमारे सारे टाइप, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चनों की ज़्यादा नहीं करनी, क्वेश्चन कम हो लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन हो, और जैसे आपने इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 4 बार करो, ना कि 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार में। ठीक है, तो आपका सारे ये जो टाइप में क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन करने से पहले ये टाइप आपको दिमाग में रिपीट करने हैं। अगर नहीं हो पाया कोई भी क्वेश्चन तो आप इससे जाइए, इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ना आया है। और आपके पास जो भी बुक होगी ना, उससे ये क्वेश्चन इस टाइप से वो भी क्वेश्चन हो जाएगा, कितना भी हार्ड हो। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करके अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है,
क्योंकि हार्ड सीरीज़ इस टॉपिक से तो नहीं पूछी जाती है, एटलीस्ट दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में। मैंने कई एग्जाम वो पेपर देखे हैं जिनमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही या इवन और ओड नंबर से ही क्वेश्चन पेपर थे। ईपी पुलिस के पिछले 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें भी सीजीएल या सीपीओ के भी दिल्ली पुलिस की जो रीजनिंग आई थी उसमें से प्राइम नंबर सीरीज था। सारी जो नंबर या टाइप आते हैं वो सबसे ज़्यादा प्राइम में आते हैं, तो ये 5 या 6 टाइप को आप डेली मतलब 2 या 3 बार रिवाइज करने लाएँ, बस इसके टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये टॉपिक का बताऊँ कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। 35 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इस सीरीज से आएंगे। सिर्फ आपको 2 टॉपिक का याद करना है, प्राइम नंबर सीरीज को और इवन ओड स्क्वायर से, बस ठीक है। तो ये थी हमारी आज की इसकी लास्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कौन सा करेंगे। इसी में और टाइप जो बचते हैं, मतलब ये 3 तरह के क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं, लेकिन मैंने बताया इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन भी आते हैं, तो और टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। मिसिंग नंबर आता है या ओड फाइंड ओड वन आउट भी आता है, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो शेयर कर देना है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।